हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के तमाम जजिस के एजाज में दी गई चाय की तकरीब से सदर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में आदिल मुश्ताक एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि साहब और लास्ट वीक आपका शुक्रिया अदा किया जाता है, वो भी फूलों के साथ। इस दफ़ा कुछ मजबूरियों और मसरूफियत की बिना पर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम ऑनरेबल न्यूली बेंच को हम इस्तकबाल ना कर सके, मगर सीनियर जज मिस्टर जस्टिस शहर करीम साहब के पास और जो हमारे मिस्टर जस्टिस असद जवेद गुराल साहब आए उनके पास मैं और सेक्रेटरी साहब हम जाकर वहाँ उनका शुक्रिया अदा कर आए थे। तो इसके साथ मैं न्यूली अपॉइंटेड तमाम लॉ ऑफिसर्स जिनमें हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल एडमिन जो कंटिन्यू कर रहे हैं मेरे भाई शेख जमशेद हयात साहब, मैं देख रहा हूँ ये बैठे हुए हैं, इनको डबल मुबारकबाद, एक तो कंटिन्यू करने की और सेकंड उम्र करके आई है। ये अलग बात अभी तक इन्होंने खजूर और पानी नहीं मुझे खिलाया या पिलाया। इसके साथ साथ जनाब मोहम्मद बिलाल भट साहब मेरे बड़े भाई एडिशनल एडवोकेट जनरल और तमाम असिस्टेंट एडवोकेट जनरल साहिबान और इसके साथ साथ अपने बहुत ही प्यारे मौजिज भाई महार ज़मीर संडल साहब डिप्टी अटॉर्नी जनरल वो भी बैठे हैं, उनका भी इंतहाई ममनून हूँ और तमाम मेंबरान पंजाब बार कौंसल का और अपने तमाम हमारी बार की करीम सीनियर्स हमारे फ्रंट पे बैठे हैं उन तमाम का भी ममनून हूँ। मैं मिस्टर जस्टिस शहर करीम साहब और सीनियर जज लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच और मिस्टर जस्टिस असद जवेद गुराल का बिलखसूस और इसके साथ तमाम जजेस का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने मुल्तान बेंच पर इंसाफ की फराहमी के लिए दिन रात एक किया और मैक्सिमम केसेस को डिस्पोज ऑफ किया। और मुझसे पहले जिस तरह मेरे भाई भट्टी साहब ने कहा कि हम यही तवक्को करते हैं इंशाल्लाह जैसे आपने यहाँ लिटिगेंट्स को इंसाफ मुहैया किया इसी तरह फर्दर जहाँ आपकी जिस बेंच पे या प्रिंसिपल सीट पर आपका फर्दर रोस्टर है इंशाल्लाह फैसले मनसब भी उसी अंदाज में आप अंजाम देंगे और तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह ताला नए आने वाले भी जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं और जो मेरे रेस्पेक्टेबल कंटिन्यू कर रहे हैं जजेस आप सब भी हमें वकला से मुराद लिटिगेंट्स जो दूर दराज से जहाँ की कोई सुनवाई नहीं होती महकमों में फिर आपके पास आते हैं। तो मैं इस मौके पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब लिटिगेंट्स या वकला हम कोर्ट में आते हैं तो यकीन करें वो जज साहबान वो ऑनरेबल जजेस जो हमें पेशेंट हेयरिंग देते हैं प्रॉपरली समाप्त करते हैं इंटरिम रिलीफ देते हैं और मैंने वो जजेस भी देखे हैं जो ख़ुद से किसी न किसी अंदाज से कोशिश करते हैं कि वकला को कोई भी किसी भी वे में कोई इंटरिम रिलीफ दे दिया जाए। तो मैं उन तमाम जजेस का भी बीइंग अ प्रेसिडेंट इंतहाई ममनून हूँ और इंशाल्लाह ताला तवक्का करते हैं इसी तरह तमाम जजेस वकला को स्पेशली यंगस्टर को अर्जेंट केसेस में इंटरिम रिलीफ और
चाहे प्री एडमिट नोटिस कर दें, इस हद तक इंशाल्लाह रिलीफ देते रहेंगे। इसके साथ मैं दोबारा अपनी एग्जीक्यूटिव और तमाम वकला की जानिब से ऑनरेबल जजेस का इंतहाई ममनून हूँ और